में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी लखीमपुर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके में तनाव कम करने के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। अफवाहों को रोकने के लिए कुछ जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है ताकि असामाजिक तत्व हालात का फायदा उठाकर किसी को भड़काने की साजिश ना कर सकें। यानी कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, उनमें रोक लगा दी गई है और लगातार जो कल घटना हुई उसके बाद से अब लखीमपुर खीरी में इस वक्त माहौल काफी गर्म दिख रहा है। राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां लखीमपुर जाना चाहती थी लेकिन उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। किसान सड़क के किनारे खड़े हुए थे तो दूसरी ओर से विपरीत दिशा से आती हुई 3 SUV ने उनको कुचला है जिसके कारण से 4 लोगों की डेथ हुई है। भाजपा के बड़े नेता की बात बताइए कि गाड़ियां उनकी थी क्या पूरा मामला? देखिए उसमें हमको तहरीर प्राप्त हुई है और उस तहरीर को हमने थाने को भेजा है दर्ज कराने के लिए। ये सारी चीज़ें जाँच के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। केजुअल्टी किसानों की तरफ है या इधर की भी है? नहीं, गाड़ी पलटने से भी और अन्य चीज़ें जो जांच के दायरे में है दूसरी ओर से भी 4 डेथ का बताया जा रहा है और 4 डेथ कृषकों की हुई है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तभी हम पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी होंगे। और 3 अभी तक 2 डेड बॉडी आई हुई हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 मरीज पहुंचे हैं जिसमें 2 ब्रॉड डेड थे, 1 तेजिंदर सिंह मरीज है जिसका इलाज चल रहा है। सर में काफ़ी सारी चोटें आई हैं, ताकि फर्स्ट एड दे दिया गया है और जिसकी हालत सीरियस है और उसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। 2 बॉडी ले गए हैं, 2 बॉडी आई हमारे पास। पोस्टमार्टम की बात है? हाँ, पोस्टमार्टम के हम नियम तो ये है कि बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस जा सकती है, बट अभी वो पेशेंट अटेंडेंट जो हम साथ में लाए वो कह रहे हमारे राष्ट्रीय हमारे साथ कोई मिलने वाले हैं, उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए राजी होंगे। और SP विजय ढुल ने कहा कि पुलिस तहरीर के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। लखीमपुर के तिकोनिया में हुई घटना में 4 किसानों की मौत हो गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, ये घटना कैसे हुई और क्या कार्रवाई अब तक की गई इस मामले में? लगभग 3:15 दोपहर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु गाड़ी के साथ टक्कर लगने के बाद हुई। इस घटना में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें इस प्रकार का ये 4 लोगों की मौत हुई और इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। शव को उन लोगों पीड़ित पक्ष से वार्ता करके शव को शीघ्र ही पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम परीक्षण में जो मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व शामिल हो गए होंगे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए लोगों की हत्या को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में आज एक बड़ी घटना हुई जिसको लेकर पूरे प्रदेश और देश में सियासत शुरू हो गई। यहाँ के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि कितने लोग अब तक मारे गए आपके मुताबिक? देखिए, हमारे 3 कार्यकर्ता और हमारे ड्राइवर की मृत्यु की पुष्टि हुई है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि 2 लोग नानपारा के रहने वाले थे, बहराइच के, वो भी शायद इस घटना में मारे गए हैं। अभी तक मेरे सामने ये जानकारी है लेकिन मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं इसकी पुष्टि हुई है, मेरा ड्राइवर मारा गया है उसकी पुष्टि हुई है। जिन्होंने ये घटना कारित की, आपके 3 लोग मारे गए, 2 बहराइच के लोग मारे गए, 5 से 6 लोगों की पुष्टि हो रही है, ये कौन लोग थे? देखिए, अब ये हमको लगता है नहीं थे, मेरे ख्याल में किसान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मैं भी किसान हूँ, किसान बहुत संवेदनशील होता है। किसानों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे अराजक तत्व या उपद्रवी तत्व शामिल हो गए होंगे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गई, अखिलेश यादव आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावत टिकैत चल पड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब लोग वो लोग हैं, टिकैत की बात है तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो बचेंगे नहीं। सारे वीडियो हैं, आक्रमण उन्होंने किया है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, हम FIR भी दर्ज कराएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। आपके बेटे पर भी आरोप है और कह रहे हैं कि आपके 3 लोग मारे गए, के लिए FIR दर्ज कराएंगे आप? बिल्कुल दर्ज कराएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ तक हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जा करके वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए, हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पूरे मामले की जांच की मांग की ताकि सच सामने आ सके।
लखीमपुर खीरी में आज बड़ी घटना हुई और कहा जा रहा 5 से 6 लोग इस घटना में मारे गए। जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके भी 3 वर्कर्स मारे गए हैं, उनके ड्राइवर्स मारे गए हैं। आशीष मिश्रा उनके बेटे हमारे साथ हैं, जो लगातार हो रहा है कि इनकी गाड़ी पर हमला क्या हुआ था पहले बताइए। बस अब लगभग 35 सालों से हमारे यहाँ बनवीरपुर में दंगल का आयोजन होता है, जिसका देख रेख हम लोग कर रहे थे। आदरणीय डिप्टी सी एम जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थे। तो रिसीव करने के लिए उनको 2-3 वाहनों में हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पथराव उनके ऊपर वो गाड़ियों पर हुआ, उनकी गाड़ियों को पलट दिया गया, जला दिया गया और उसमें हमारे ड्राइवर को मार दिया गया, 2-3 कार्यकर्ता थे उनको मार दिया गया। आपकी गाड़ी को भी पलटते हुए दिखा हमने वीडियो में, थार जीप थी पलट रहे थे, गाली गलौज भी हो रही थी, क्यों नाराज थे इतना आपसे वो लोग? बस अब ये तो चूंकि वो किसान नहीं होंगे, उसमें किसानों के उसमें 2-4 उपद्रवी पहुंच गए होंगे। हम सबसे आग्रह केवल इतना ही करेंगे कि न्यायिक जांच हो और न्याय में जो भी दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। वो लोग तो आपको दोषी मान रहे हैं। वो तो न्यायिक, हमने क्या कहा आपसे, हमको तो दोषी सब मानेंगे, लेकिन न्यायिक जाँच हो। मुझे पूरा भरोसा है अपने कानून व्यवस्था पर, अपनी सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि जो भी होगा वो न्यायिक होगा और निष्पक्ष होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर ट्वीट किया, लखीमपुर खीरी में घटित हुई घटना अत्यंत दुखद उन्होंने बताई और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा यूपी सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। मौके पर शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, कार्मिक एवं कृषि, एडीजी कानून व्यवस्था, आयुक्त लखनऊ समेत आईजी लखनऊ मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। घटना में लिप्त जो भी जिम्मेदार होगा सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। क्षेत्र के सभी लोगों से अपील है कि वो किसी भी के बहकावे में ना आए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। वहीं लखीमपुर जाने के लिए बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र की पुलिस के साथ बहस हुई। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उन्हें बेवजह लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हम लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करते हैं, तो इनकी इस नोटिस को पढ़ने के बाद जो अभी हम लोग लखीमपुर जाना चाहते थे चूँकि इन्होंने रोक दिया जाने से, तो इसलिए हम इसको अभी स्थगित करते हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन इसके बारे में हम लोग कल अपनी बैठक फिर से करेंगे, पार्टी की बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अब हम लोग अगला कदम क्या उठाएं और कैसे करें। और लखीमपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बातचीत करेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं। डिमांड तो ये है कि जितनी भी हत्याएं हुई, ये 8 के आसपास हो रही है अभी, 9, तो उसकी जिम्मेदारी इसी की सब, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसने करवाई है, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। वहीं लखीमपुर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों में भिंडरा वाले के समर्थक भी थे। एक वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी की टी शर्ट पर भिंडरा वाले की फोटो साफ साफ दिखाई दे रही है। किसान की टी शर्ट के पीछे भिंडरा वाले का लोगो लगा हुआ है। खुद को किसान बता रहे ये लोग काला झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। को फ्रीज कर दिया, यानी अब इस चिन्ह का इस्तेमाल